शुभ प्रभात सभी विद्यार्थी गण और मेरे प्यारे मित्रों को। मैं मिस अली एंड यू आर वाचिंग मिरेकल यूनिक क्लासेस। आपने रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वाले बहुत सारे सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस का आपने अनुवाद किया होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वाले सेंटेंसेस का अनुवाद हम चार तरीकों से करते हैं, यानी चार या पाँच हेल्पिंग वर्ब्स के द्वारा करते हैं। आपको ये पता होगा, आपने टेंसेस पढ़े होंगे तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होती है उसमें हम विल बी का यूज़ करके या शैल बी का यूज़ करके हम रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे कि हिंदी क्रियाओं को हम फुलफिल करते हैं या फिर उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि विल बी को छोड़ करके, शैल बी को छोड़ करके और भी आपको तीन चार हेल्पिंग वर्ब्स मिलने वाली है जिनके अकॉर्डिंग हम उन सेंटेंसेस का अनुवाद करते हैं, उन वाक्यों को हम बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हो कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वाले सेंटेंसेस को हम चार पांच तरीकों से कैसे बनाएं और सबकी सिचुएशन, सबका सेंस अलग अलग हुआ करता है। ऐसा नहीं है कि हमने रहा होगा देखा, रही होगा देखा और रहे होगा हमने देखा और उसका अनुवाद हमने विल बी से कर दिया या शैल बी से कर दिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही जानते हैं, शैल बी या विल बी, शैल बी या विल बी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ शैल बी या विल बी से काम नहीं चलता, बल्कि और भी आपको हेल्पिंग वर्ब्स लगाने पड़ते हैं और भी आपको उसके साथ क्रियाएँ जोड़नी पड़ती है। लेकिन जो क्रियाएँ होती है वो तो वी फोर ही होती है, लेकिन उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स हुआ करती है वो अलग अलग हुआ करती है। एक चीज़ और कि जितने भी रहा होगा वाले सेंटेंसेस होते हैं उनकी सिचुएशन अलग अलग होती है, उनके सेंस अलग अलग होते हैं, लेकिन ये चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते हैं और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ शैल बी या विल बी लगाकर उसे बना देते हैं। लेकिन ये हमारी बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कैसे, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये मिस्टेक हमारी कैसी है या बड़ी है या छोटी है। तो शुरू करते हैं आज की ये लेसन, और आज के इस लेसन में आप जो कई सालों से गलतियाँ करते आ रहे होंगे वो गलती आप आज करेक्ट करने वाले हो, इम्प्रूव करने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, चार सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं जिसमें से मैं सबको पहले रीड आउट करके बता देता हूँ। वह अभी सो रही होगी, वह शायद आ रहा होगा, वे लोग पक्का ज़रूर झगड़ रहे होंगे, कल सुबह वह विद्यालय जा रही होगी। आप क्या कर रहे हो ना, आप देख रहे हो कि ये जितने भी सेंटेंसेज हैं ना, उन सब की जो हिंदी क्रियाएँ हैं उन सब की हिंदी क्रियाओं में कॉमनली रही होगी, फिर रहा होगा, फिर रहे होंगे, फिर रही होगी। यानी आप क्या देख रहे हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जितनी भी हिंदी क्रियाएं हैं सब में आपको कॉमनली एक चीज़ मिल रही है सिंपली, जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन आप अंग्रेजी के सेंटेंसेस को देखो, क्या आपको सभी सेंटेंसेस में विल बी दिखाई दे रहा है? नहीं ना, आपको सभी सेंटेंसेस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स दिखाई दे रही हैं और उनके साथ जो क्रियाएं हैं वो तो वी फोर आती ही हैं। तो यही तो मैं साबित करना चाहता हूं, यही तो प्रूव करना चाहता हूं आज की वीडियो में कि आप रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वाले सेंटेंसेस का अनुवाद सिर्फ एक तरीके से नहीं करोगे, बल्कि उसके सेंस को समझोगे, उसकी सिचुएशन को समझोगे और तब जा करके आप एक सूटेबल हेल्पिंग वर्ब दोगे, आप एक सूटेबल वर्ब का यूज़ करोगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है, वह अभी सो रही होगी, वह अभी सो रही होगी। यानी यहाँ पर वर्तमान समय में एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, एक गेस किया जा रहा है कि वो ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, ये कर रही होगी, वो कर रही होगी। तो यहाँ पर बात हो रही है वर्तमान समय की, कि वह अभी सो रही होगी वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में जब भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं ना, तो उनका अनुवाद हम विल बी से नहीं करते हैं। भले हमारी ग्रामेटिकल रूल ये बात क्लियरली नहीं बताती है, बहुत सारी किताबों में आप देखोगे तो विल बी से ही ऐसे वाक्यों का अनुवाद हुआ रहता है, लेकिन परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग या बाकी के ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे डीपली तो आपको ये बताया जा चुका होगा या आपको ये बताया जाता है कि आप वर्तमान समय में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का अनुवाद आप विल बी से न करें तो ही बेहतर होगा। तो चलो इसका अनुवाद करके देखते हैं। वह के लिए हमने शी का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर रही है ना, फीमेल है, इसलिए शी का यूज़ किया। शी के बाद हमने वुड बी का यूज़ किया है, वुड बी है ना, यहाँ पर विल बी मैं नहीं कर सकता क्योंकि वर्तमान समय की बात हो रही है और विल बी का प्रयोग हमेशा फ्यूचर टाइम के लिए आता है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए आता है, जब कोई कार्य फ्यूचर में होना रहता है। तो यहाँ पर वह के लिए शी हमने लिखा, रही होगी के लिए हमने वुड बी लिखा है ना, सो कहने का मतलब है कि सो रही है ना, सो रहा, सो रहे, जा रहा, जा रही, जा रहे, खेल रहा, खेल रही, खेल रहे। ऐसे आप शब्दों को क्या लिखते हो, आई एन जी लगाकर लिखते हो, यानी फोर फॉर्म में इसको लिखते हो। तो सोने की इंग्लिश स्लीप होती है ना, स्लिप, और इसमें आप आई एन जी कर दोगे, स्लीपिंग, स्लीपिंग, और अभी के लिए आप अंत में नाउ लगा दोगे और नाउ से प्रेजेंट टाइम का बोध होता है।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह अभी सो रही है, यानी वर्तमान समय की बात हो रही है। सो यहाँ पर हम विल बी का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना, परफेक्ट ग्रामर के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें शी वुड बी स्लीपिंग नाउ ही करना होगा, विल बी स्लीपिंग नाउ नहीं करना होगा। तो फिर पूछोगे कि विल बी कब करें, तो मैं सबसे अंतिम सेंटेंस में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि विल बी आप कब करोगे। कल सुबह वह विद्यालय जा रही होगी। ये बंदा जो बात कहना चाहता है, ये वक्ता, ये कल की बात कर रहा है, आने वाले कल की बात कर रहा है कि कल वो विद्यालय जा रही होगी, है ना। तो ऐसी सिचुएशन, ये कौन सी सिचुएशन है, ये फ्यूचर की सिचुएशन है, कि अभी वर्तमान की बात नहीं हो रही है, कल की बात हो रही है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। और जब भी फ्यूचर की बात हो तो हम वहाँ पर विल बी का ही इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए? रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे के लिए हम विल बी का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस को हम विल बी से बनाएंगे। ओके, तो कल सुबह को अभी हटा लेते हैं, वो विद्यालय जा रही होगी इतना बना लेते हैं। यहाँ वो का मतलब है शी, ठीक है, वह कहो या वो कहो, बात एक ही है। तो हमने शी लगा दिया है, बिकॉज रही आया है ना, इसलिए शी। अब शी के साथ क्या लगता है, शैल बी या विल बी? विल बी लगता है, तो चलो विल बी भी हमने लगा दिया। ओके, वह के लिए, वो के लिए हमने शी लगाया, विल बी लगाया होगी के लिए। ओके, अब क्या करना है, जा रही, जा रहा, जा रहे, खेल रहा, खेल रही, खेल रहे, इनको आप बनाते हो ing लगा करके। तो जा रही के लिए हमने यहाँ पर गोइंग टू लगा दिया है, और टू लगाने का मतलब आप समझ ही रहे हो, समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमने गोइंग टू लगा दिया है बिकॉज यहाँ पर कोई परफेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, मस्क एट्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पर हमने जा रही के लिए गोइंग टू का इस्तेमाल कर दिया है। कहाँ? विद्यालय, तो स्कूल। और कब की बात हो रही है, समय क्या है, टाइमिंग क्या है? कल सुबह, तो कल सुबह के लिए टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह के लिए टुमारो मॉर्निंग, कल दोपहर टुमारो आफ्टरनून, कल शाम टुमारो इवनिंग, है ना। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बनाओगे। तो आप इन दो सेंटेंसेस के फ़र्क को समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, ये सेंटेंस के अंत में भी रही होगी है और इस सेंटेंस के अंत में भी रही होगी है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है और ये फ्यूचर की बात कर रहा है। जब भी प्रेजेंट की बात हो तो आप वुड बी का यूज़ करना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के लिए। और जब फ्यूचर की बात की जाए तभी आपको विल बी का यूज़ करना है। ओके, आपको बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर में विल बी से ही ऐसे सेंटेंसेस को बनाया हुआ मिला होगा, लेकिन डेट वॉज नॉट परफेक्ट, है ना, एंड डेट इज़ नॉट परफेक्ट। परफेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, जो अभी आप सुन रहे हो, डेट इज़ एब्सोल्यूटली परफेक्ट। तो आप इन दोनों को समझ लेना, सेंस को, सिचुएशन को, और तब आप डिसाइड करना कि हमको वुड बी लगाना है या विल बी लगाना है। चलो अब इन दो सेंटेंसेस की बात करते हैं। वह शायद आ रहा होगा, फिर देखो रहा होगा, है ना। इन दोनों में तो हमने रहा होगा, रही होगी देखा ही, अब इसमें भी रहा होगा, रही होगी आने वाले हैं। वह शायद आ रहा होगा, हम जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो गेस कर रहे हैं, उसमें हम कन्फर्म नहीं हैं, डेफिनेटली हमको नहीं पता है कि भाई वो आ रहा होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि शायद लगा करके हम सेंटेंसेस को बोलते हैं, वह शायद आ रहा होगा। कई बार ऐसा होता है कि ये शायद आपको नहीं भी मिलेगा, लेकिन आप बोलने वाले हो, आप ये समझ सकते हो कि मैं जो बात कह रहा हूँ कितना कन्फर्म होकर के कह रहा हूँ, कितना मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, ये आप पर निर्भर करता है। आपको ऐसा लगता है कि आ भी रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा, है ना, कोई ठीक नहीं है कि वो आ ही रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ना तो आप विल भी लगाओगे, नहीं आप वुड भी लगाओगे, आपको लगाना होगा मे बी या फिर माइट बी, क्योंकि कम संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए हम मे बी या माइट बी का यूज़ करते हैं। तो वह शायद आ रहा होगा, कन्फर्म नहीं है वो बंदा जो कह रहा है कि वह आ रहा होगा, इसलिए वहाँ पर हमें मे बी या माइट बी का यूज़ करना होगा। चलो अब इसको बना लेते हैं। वह शायद आ रहा होगा, वह के लिए ही, ओके, होगा के लिए माइट बी, आ, है ना, होगा के लिए माइट बी, आ रहा के लिए कमिंग, जा रहा के लिए गोइंग, खेल रहा के लिए प्लेइंग। अब शायद जो है ना, शायद की कोई अंग्रेजी नहीं लिखनी है, क्यों? क्योंकि यहाँ मे बी से ही शायद का बोध हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ये शायद अंडरस्टूड रहता है, फिर भी हम मे बी का यूज़ करते हैं और माइट बी का यूज़ करते हैं। पता है क्यों मे बी माइट बी का यूज़ करते हैं? क्योंकि जब हमें ये ठीक से पता नहीं हो, कन्फर्म पता नहीं हो कि वह ये कर रहा होगा या वो कर रहा होगा, तो आप शायद देखें या ना देखें, आपको मे बी लगाना है या माइट बी लगाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और इसका दूसरा जो तरीका है, वह शायद आ रहा होगा, ही माइट बी कमिंग, यानी हमने मे बी के स्थान पर माइट बी लगा दिया है। ये जो मे बी है ना, इससे तो संभावना कुछ ज़्यादा होता ही है, लेकिन सबसे कम संभावना इससे बोध होता है। अगर आपको पता हो कि नहीं यार, ये तो हो नहीं सकता है कि मतलब वो आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, तो ऐसी सिचुएशन में आप माइट भी लगाना, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा संभावना हो तो
तो आप मे भी लगा देना, और तब ये मत देखना कि शायद लिखा हुआ है या नहीं। अगर शायद लिखा है तो ठीक ही है, और नहीं लिखा है तो भी ये आप पर निर्भर करता है कि जो आप बात कह रहे हो वो किस रूप में कह रहे हो, कन्फर्म होकर कह रहे हो, आपको ठीक से पता है भी या नहीं, ये बस आप जानते हो। इसलिए आप पर निर्भर करता है कि आप मे भी माइट भी लगाओगे, विल भी लगाओगे या उड भी लगाओगे। सबसे अंतिम सेंटेंस की बात करते हैं। सबसे अंतिम सेंटेंस है, वे लोग पक्का झगड़ रहे होंगे, वे लोग ज़रूर झगड़ रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, पूरी डेफिनेटली हम कन्फर्म होकर के ये बात कह रहे हैं कि मतलब वो ऐसा कर रहा होगा या ऐसा हो रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम मस्ट बी का यूज़ करते हैं, मस्ट बी, क्योंकि मस्ट जो है ना, मस्ट से पूरा श्योरली मतलब कोई काम होने का बोध होता है, डेफिनेटली कोई कार्य होने का बोध होता है। तो जब आप कन्फर्म होना कि नहीं वो ये चीज़ कर रहा होगा, ये हो रहा होगा, तो वैसी सिचुएशन में ना आप उड भी लगाओगे, ना मे भी लगाओगे, ना माइट भी लगाओगे, ना विल भी लगाओगे, आपको लगाना होगा मस्ट भी, आपको लगाना होगा मस्ट भी। तो वे लोग के लिए दे का यूज़ कर दो, ओके, और फिर रहे होंगे तो मस्ट भी कर लो, और इसमें पक्का और ज़रूर का भी बोध हो जाएगा मस्ट भी से ही, ठीक है। रहे होंगे पक्का और ज़रूर का बोध हो जाएगा मस्ट भी से, झगड़ रहे क्वायरलिंग, काम क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पक्का के लिए आप अलग से डेफिनेटली लगा दो, श्योरली लगा दो, या ज़रूर के लिए आप सर्टनली या डेफिनेटली लगा दो, नहीं, ये मस्ट भी ही आपका सारा काम कर देगा, इसलिए आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे चार प्रकार के सेंटेंसेज, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से अंत होने वाले। आज के बाद जब कभी भी आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वाले सेंटेंसेज मिले, तो आप पहले उनकी सिचुएशन समझना कि उसकी सिचुएशन क्या है, और तब आप डिसाइड करना कि विल भी लगाना है, उड भी लगाना है, मे भी लगाना है, माइट भी लगाना है, या फिर अदर चीज़ें हमको लगानी है। ये हम पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, उसके सेंस पर डिपेंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको गुड डे, हैव अ नाइस डे, एंड ऐसी गलतियों से आप आज के बाद बचने वाले हो, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, अच्छे तरीके से समझने के बाद, आपको ऐसे सेंटेंसेज में कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे टू ऑल।